प्रमोशन पहले ही होने वाला था, मैं रिटायर भी हो गया तब भी नहीं हुआ। तो कदम कदम पे हमें, मेरे खिलाफ़ झूठी चार्जशीट दाखिल करके मेरी तनख्वाह भी रोक दी गई थी। तो इस तरह के मैं अकेला इसका विक्टिम नहीं हूँ, हर एक की अपनी, लेकिन परिवर्तन की चाह अवश्य है, परिवर्तन जरूर होके रहेगा। बहन जी अपनी विचारधारा पे बिल्कुल अडिग हैं और वो बिल्कुल सही सोच रही हैं। उनका जो चिंतन है ना, वो बड़ा गहन चिंतन है, वो अपने पत्ते खोलती नहीं है, वो टाइम से खोलेंगी। विवेक देव राय पे किसी का भी ट्वीट नहीं आया, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ उन्होंने ही बोला। तो उस प्रतिक्रिया को फिर ये देखते हैं, यार ये तो मामला चल गया, फिर ये किसी बड़े अफसर से कहलवाते हैं, फिर ये कह देते हैं चलो यार अब तो लागू ही कर दो। तो ऐसा नहीं है कि ये एक विरोध आ गया है, दर्ज हो गया है। जो सत्तारूढ़ दल है वो तो अपनी, चूंकि सब कुछ तो उसके हाथ में है, वो छोटी सी बात भी कहता है तो पूरा एक भोंपू की तरह हर जगह से बोलना शुरू हो जाता है। तो उसे तो भरोसा है, लेकिन उसके अंदर डर भी व्याप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डर नहीं है, डर भी साफ दिख रहा है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, स्टाइल है, बात करने का ढंग है, शब्दों का चयन है, उनसे भी लग रहा है कि कुछ दिल में घबराहट तो हो गई है। बाकी तो ये बाहर का एक जो पर्सनैलिटी परसोना बोलते हैं ना, वो एक बाहरी आवरण से वो अपने आप को हिम्मत बंधाते हुए दिख रहे हैं। बाकी फील तो हो रहा है, जो समाज में बेचैनी है बदलाव की, वो उन्हें भी फील हो रही है और समाज भी समझ गया है। पिछले दशक में बहुजन समाज था, देखिए बहुजन समाज मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में जाएगा, क्योंकि भाई 10 साल हो गए ना, सिर्फ बातों के अलावा क्या मिला है। ऐसा है ना, लेकिन सर बात तो वही हो जाएगी, काशीराम जी काफी साल पहले बोलकर जा चुके हैं सापनाथ और नागनाथ, अब एनडीए नहीं तो इंडिया। अब देखिए फिलहाल तो देखिए, हाँ ये आपने सही कहा है कि देखिए चयन करना जो है ना, वो जो ज्यादा खतरनाक है उससे तो फुटबॉल ही रहेंगे ना सर, नहीं बने कोई इधर से मारे जाएंगे कभी उधर से मारे जाएंगे। लेकिन ये फुटबॉल वाली कहावत भी ना ज्यादा दिन तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन चलने वाली है। समय के साथ साथ ना कंसेप्ट भी चेंज हो रहे हैं, बदल जाते हैं, हमारी संकल्पनाएं जो है ना बदल रही हैं, तो काफ़ी बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है और पुरानी संकल्पनाएं तो ध्वस्त हो रही है। ऐसी बात नहीं फुटबॉल नहीं बनेंगे। लगातार बहुजन समाज जो है मायावती को लेकर काफ़ी कयास लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में बहुजन समाज और मायावती का कुछ होने वाला है? देखिए या BSP का कुछ होने वाला है? हाँ BSP मायावती बहुजन समाज जो है ना वो ज़्यादा पीड़ित हुआ है इस दौरान, जो है ना नौकरियां चली गई, स्कूल बंद हो गए, आगे प्रगति बंद हो गई। जैसा कि मैं कई बार अपने पुराने इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि देखिए मेरा प्रमोशन पहले ही होने वाला था, मैं रिटायर भी हो गया तब भी नहीं हुआ। तो कदम कदम पे हमें, मेरे खिलाफ़ झूठी चार्जशीट दाखिल करके मेरी तनख्वाह भी रोक दी गई थी। तो इस तरह के मैं अकेला इसका विक्टिम नहीं हूँ, हमारे पूरे समाज में जिस किसी भी लेवल पे वो हानि पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा के मानते हैं, चूँकि सत्ता उनके हाथ में है। तो ये जो बेचैनी है हमें बेचैन कर रही है और एक निश्चित, हम निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन करेंगे। और जो BSP का या मायावती का जो चीज़ है, देखिए हमें चाहिए परिवर्तन और समय के साथ साथ जो है सोच में भी बदलाव आएगा। तो किसी के भी सहयोग से बने, चाहे इंडिया के सहयोग से बने, BSP उधर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये फिलहाल हम नहीं कह सकते, हर एक की अपनी, लेकिन परिवर्तन की चाह अवश्य है, परिवर्तन जरूर होके रहेगा। लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, हाँ 90s के दौर को देखे थे, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर लाने वाली कांग्रेस पार्टी है और प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी मार जो है बहुजन समाज अभी भी देख रहा है। बिल्कुल वो तब से ही पड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने फार्मूले के या पुराने कष्ट के हिसाब से या पुराने दुखों के हिसाब से हम नए समस्याओं को भी उनसे हल करें। आज जमाना बहुत ज़्यादा बदल गया है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, बहुजन समाज क्या क्या बदलाव करेगा? नहीं बहुजन समाज बदलाव करेगा तो निश्चित रूप से ये सरकार बदली जाएगी, तो परिवर्तन अपने आप होके ही रहेगा।
फिर काशीराम जी की उसका क्या? देखिए काशीराम, हम ये बताइए कि समय के अनुसार सब संकल्पनाएं बदलती हैं, सिर्फ विज्ञान के फार्मूले ही सनातन सत्य हैं, बाकी हम चाहे जितने विद्वान हो किसी के भी जो है ना वो परिवर्तन हो जाता है, उनमें परिवर्तन परिवर्तनशील है। बहन जी को कैसे देख रहे हैं आप 2024? देखिए बहन जी अपनी विचारधारा पे बिल्कुल अडिग हैं और वो बिल्कुल सही सोच रही हैं, उनकी जो उनका जो चिंतन है ना वो बड़ा गहन चिंतन है, वो अपने पत्ते खोलती नहीं है, वो टाइम से खोलेंगी। जैसे कि हमें ये अच्छा लगा उन्होंने देवव्रत जो क्या नाम है देवराय विवेक देवराय पे किसी का भी ट्वीट नहीं आया, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ उन्होंने ही बोला। चूंकि ये करते क्या है, ये पहले किसी तटपूंजीय लीडर से कुछ कहलवा देते हैं, तटपूंजीय एमपी तटपूंजीय एमएलए वगैरह से कुछ कहलवा देते हैं, फिर उस बात का फिर ये प्रतिक्रिया देखते हैं कि भाई समाज में इसका क्या प्रतिक्रिया आ रही है, तो उस प्रतिक्रिया को फिर ये देखते हैं यार ये तो मामला चल गया, फिर ये किसी बड़े अफसर से कहलवाते हैं, फिर ये कह देते हैं चलो यार अब तो लागू ही कर दो। तो ऐसा नहीं है कि ये एक विरोध आ गया है, दर्ज हो गया है, तो ये विवेक देव राय वाला भी फंडा ये उन्हें वापस लेना पड़ेगा। उनको संसद में नया संविधान आएगा। देखिए नई संसद बनाई है तो नई बिल्डिंग बना दी, वो उन्होंने कहा कि ये पुरानी बिल्डिंग हो गई, इस बात को तो खैर माना भी जा सकता है कि 100 साल के लगभग बिल्डिंग हो गई है, 1918 में शायद ये बनी थी, तो 100 साल के करीब हो गया, नई बिल्डिंग बन गई और नए सिस्टम में बनी है, उसमें नए साइंटिफिक उपकरण ये सब चीज़ें लगी होंगी, बिल्डिंग बनाने में तो कोई बात नहीं है। देखिए संगोल स्थापित कर दिया उसको लेकर क्या कहें? देखिए संगोल ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बात जो प्रश्न पूछा है ये बार बार इस बात को साबित करना चाहते हैं प्रतीकों के द्वारा, अपने बयानों के द्वारा कि हम अपना जो हमारा एजेंडा है जो हमारा हिंदुत्व वाला एजेंडा है उसे हम लागू करके रहेंगे, तो ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। देश के पंत प्रधान को जिस तरीके से दंडवत हुए थे वो करना कितना सही है? असल में क्या है ना वो तो वो एक बहुत ही बड़े नाटकबाज हैं और वो समाज को ऐसा दिखाना चाहते हैं, वो उनकी बातों पे मेरे ख्याल कोई खास गौर नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, उन्हें एक्टिंग का शौक है, कई कई तरह की चीज़ें करते हैं, वो तो वहाँ बैठे रहे थे हवाई जहाज में, कल परसों जो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ नाराज़ हो गए, जैसे शादियों में फूफा नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे को तो बुलाने कोई आएगा तो जाऊँगा, वहाँ बैठे रह गए, तो ये तो बेइज्जती करवाते रहते हैं, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एंजॉय कर देते हैं, अपनी बेइज्जती को भी एंजॉय करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलेगा कुछ? बिल्कुल 2000 बिल्कुल देखिए सत्ता परिवर्तन होके ही रहेगा, बिल्कुल ये हमारा आत्मविश्वास कह लो और हम इसमें प्रयास करेंगे। अनेकों धर्म में अनेकों हजारों जातियां हैं तो इसे इस तरह एक खाने में खींचना बहुत मुश्किल है। चलिए शुक्रिया। इसके लिए एक मिनट अभी शुक्रिया से पहले वो बोल देता हूँ, जो ये जो इन्होंने तीन जो कानून बदले हैं ना इनका हिंदीकरण किया गया, जैसे हिंदी जैसे साक्ष्य अधिनियम है भारतीय है ना इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अरे उसका अनुवाद तो पहले से ही अवेलेबल है, इसका अनुवाद तो पहले से ही अवेलेबल है, तो ये जो है ये प्रयास बिल्कुल गलत है ऐसे, चूंकि कानून जो है ना कानून है ब्रिटिश कानून, हमारा भारतीय कानून है नहीं, तो वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध होना चाहिए। अंग्रेजी में एक पर्टिकुलर संकल्पना है, एक उस एक वर्ड होता है उसका एक निश्चित अनुवाद होता है, तो भारत में उस चीज़ को अनुवाद जैसे जैसे आमतौर पर क्या कहते हैं किसी को मार दिया कि भाई हत्या कर दी, लेकिन अंग्रेजी में जो हमारे जो हमारा कानून है उसमें हत्या हर हत्या हत्या नहीं होती, तो इस तरह से ये नाम बदलना नामकरण करना बिल्कुल गलत है और ये कानून विरोधी है। भारत के संविधान में लिखा गया है भारत की राजभाषा हिंदी होगी जी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा तो अंग्रेजी ही रहेगी, तो ये लेकिन लोकल कोर्ट्स में वो चल जाती है हिंदी जो भी है स्थानीय भाषा, तो ये भाषा वाला मामला जो है ना ये भी बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, ये बिल्कुल देश विरोधी है संविधान विरोधी है। शुक्रिया सर।